Good morning, everybody. Today I am going to teach you quadratic equation, solution of quadratic equation by completing the square method. है ना? अब आज मैं आपको 4.3 में प्रोसीड करूंगी और मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के थ्रू रूट्स फाइंड करना बताऊंगी. देखिए, ये थोड़ा आपके लिए नया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, लेकिन आप किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स को तीन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हो. ये मैं शुरू के क्लास में भी आपको बताई हूँ. पहला आपने फैक्टराइजेशन मेथड किया, दूसरा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप करोगे, और थर्ड में आप जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, उससे आप फाइंड करोगे. तो आज आप 4.3 में चलो और आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में है, उसको सबसे पहले आपका आपका फर्स्ट काम है, फर्स्ट वर्क है कि आप उसको एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में पहले चेंज कर दो. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सबसे पहले इस फॉर्म में चेंज करना होगा, तब आप इजीली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप दो रूट फाइंड कर सकते हो. तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो. देखो, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको लेना है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो. आपको इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, इसके रूट्स को निकालना है. तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप इस इक्वेशन को x प्लस ए के होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या करो, बदलो. सबसे पहले आप इसको बदलने के लिए, आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलने के लिए कुछ नया करना होगा. क्या करना होगा आपको? सबसे पहला काम ये करना होगा कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा. जैसे आप यहाँ देखिए कि आपके क्वेश्चन में 2 है, 2 परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, है ना? तो आप जो है, आप इस पूरे इक्वेशन को या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इट बिकम्स 4. आप उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? 4 का 2 हो जाएगा. तो इसके लिए या तो पहले आप इस पूरे होल इक्वेशन को, यानी आइदर लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2. अगर आप 2 से डिवाइड भी कर देते हो हर एक टर्म को, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके उसका कोएफिशिएंट 1 होगा. 1 का स्क्वायर रूट भी आपका क्या होगा? 1 होगा. तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको इस टर्म को, है ना? तो इसके लिए आपको कोई मेथड, आप मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर डिवाइड करके कर लो. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, एक मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन डिवाइड करके बना देती हूँ. तो एक मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा कि इसके कोएफिशिएंट को आप ऐसा करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो मैंने कहा, मैं क्या की कि मल्टीप्लाई द एबव इक्वेशन बाय 2. We get 4x square minus 14x plus 6 equals to 0. क्योंकि 2 से आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे, you will get 0. Okay. अब देखो, अब आप इसको आराम से परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकते हो. 2x का होल स्क्वायर आप कर सकते हो. ऐसा मैंने इसलिए किया कि आपको एक ऐसा लाना है
टर्म इसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लाना जो x प्लस ए के होल स्क्वायर के टर्म में हो। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब x प्लस ए का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xa है ना। यहाँ देखिए x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a का होल स्क्वायर होगा ना। तो आपको आपके पास 2x, x के जगह पर क्या मिला, 2x मिला, पर a के बारे में कुछ पता नहीं है। आपको इस a को ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है कि ये 14x के इक्वल हो जाए, है ना। ऐसा a को सब्स्टिट्यूट करना है कि ये पूरा मल्टीप्लाई हो करके ये 14x के इक्वल हो जाए। तो आपको देखना होगा कि मैं किस चीज से इसको मल्टीप्लाई करूं कि ये 14x हो जाए। अगर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 टू जा 14, 14 टू जा 28 हो जाएगा। यानी अगर आप 7 by 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, आपको 2xa चाहिए है ना। तो क्या होगा, आप देखिए ये होगा 2 कैंसिल होगा और ये होगा 14x होगा ना। तो आप देखिए 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7/2। अब 7/2 से आपने इंटू किया तो जिस टर्म से आप इंटू कर रहे हो उसी टर्म के स्क्वायर को आप ऐड करो और उसी टर्म के स्क्वायर को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट भी करो। आपने कुछ नहीं किया, देखिए आपने कुछ नहीं किया एक्चुअली। अगर ये कट होगा तो ये जीरो होगा और फिर ये कट होगा तो ये फिर 14x ही हो जाएगा। तो इतना करने पे आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका एक जो काम है x प्लस a का होल स्क्वायर वो लाने का काम हो गया यहाँ से यहाँ तक के फॉर्म में। अब आप इसको आप ऐड कर दीजिए और ये जीरो, ये जो एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो b के जगह पर क्या हो गया, सॉरी आप यहाँ x प्लस a का होल स्क्वायर लिए हैं तो x के जगह पर 2x हो गया और a के जगह पर माइनस a के जगह पर माइनस 7/2 हो गया। इसका ये स्क्वायर हो गया ये पूरा और रेस्ट ऑफ द टर्म को 49/4 और प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आप एज इट इज क्या करो, कॉपी कर लो। अब इसको ज्यों का त्यों आप रहने दो एज इट इज, इसको आप इधर लेके चले जाओ है ना। ये 2x माइनस 7/2 और ये इधर जा करके क्या हो जाएगा 49/4 और माइनस 6। आप इसको सॉल्व कर लो एलसीएम निकाल के या फिर अगले स्टेप में सॉल्व करो। आप इसको एज इट इज अभी रहने दो और इसको एलसीएम निकालो 49 माइनस 6 हो जाए 24 यानी 25/4 और ये 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। अब
a square root on both sides. Squaring root on both sides. आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2x minus 7 by 2 equals to 25 by 5 by 2 plus minus. अब आप इसको ले जाओ इधर. इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो. अब फिर हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें. आप देखें, ये अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है. इसीलिए जब ये ब्रेक होगा स्क्वायर रूट में तो फिर ये प्लस माइनस साइन के साथ 5/2 होगा. हैव यू डन? आप समझे मैंने क्या किया? देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि आपको इस इक्वेशन को x प्लस ए स्क्वायर के टर्म में लाने की कोशिश की, माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाने की कोशिश की, है ना. देखो ये जो है x प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम कैसे लाएंगे? हम देखिए क्या करेंगे कि पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो x स्क्वायर के टर्म को जो है उसके कोएफिशिएंट को. तो आप ऐसा मतलब ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कि इसका कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सके इजीली. तो यहाँ अगर 2 है तो 2 से आपने अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये 4x स्क्वायर हुआ. तो अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक टर्म से करें, ये पूरे टर्म से होगा मल्टीप्लाई. आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, अगर करना होगा तो पूरे से करना हो. आपने किया, अब आपको यहाँ 14x लाना है. ठीक है, 14x लाना है तो आप क्या करें कि आप 14x लाने के लिए क्या कर सकते हैं ये देखें. क्योंकि 2x तो आपके पास मिल गया x के जगह पर यहाँ, लेकिन a के जगह पर आप क्या करें, a के जगह पर जो है वो आप एक ऐसा नंबर लें जिसको आप मल्टीप्लाई भी करें तो वो 14x में ही रहे, वो चेंज नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि कोई दूसरा नंबर आ जाए और जिससे आपको a मिल जाएगा, है ना. ये a आपको मिल जाएगा और आप आराम से जिस जो जब आपको a मिल जाएगा तो देखिए आप हमने 7/2 लिया तो ये 2 कट जाएगा और a 14x के इक्वल हो जाएगा. अब 7/2 जो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के स्क्वायर को आप ऐड करें और उसी नंबर के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये आप x प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ला देंगे और रेस्ट ऑफ द जो टर्म है उसको कॉपी कर लें. ठीक है, आपने ऐसा किया. अब आप यहाँ एलसीएम लेकर के हमने निकाल दिया और दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट किया. जब स्क्वायर रूट किया तो ये इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5/2 होगा. क्यों होगा? क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 होगा, माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होगा. उसी तरह 2 के साथ है. इस तरह से आप 2x का वैल्यू लाए. अब आप कॉपी कर लिए हो तो मैं इसको इरेज करती हूँ. और
2x equals to a plus प्लस का लेती हूँ सिंबल, प्लस 5 का x equals to 12 by 2 into 2 यानि 12 by 4 that is equal to 3. Okay, x का एक वैल्यू 3 आया, एक रूट जो है. अगेन अब x 2x equals to minus 5 by 2 टर्म के साथ इसको ऐड करिए. By 2 x equals to 1 by 2 क्योंकि ये कट के 1 आ जाएगा. तो ये दो रूट आए, एक x का 3 और एक x का 1 by 2. ओके, इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू लाया है, यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. ये जो मैंने यहाँ पर लाया है ये आप प्लस माइनस कर सकते हैं अगर वहां पर आपको नहीं क्लियरली दिख रहा है तो. एक बार आप प्लस साइन के साथ 2x equals to plus sign के साथ आप ले लें, जिसका कैलकुलेशन मैं यहां कर रही हूं. प्लस 5 हमने लिया, वो कैलकुलेशन मैं यहां कर रही हूं. और एक मैं माइनस साइन के साथ, जो यहां मैंने माइनस साइन दिया उसको लेकर के मैं कैलकुलेट कर रही हूं. तो x का दो वैल्यू आएगा, दो जो रूट है वो एक 3 और एक 1 by 2. काइंडली चेक योर आंसर. ओके, तो इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको इक्वेशन को x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में चेंज करना होगा पहले. ओके, राइट डाउन. अब आप 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी ले सकते हैं. 2 ले लें, 3 ले लें, एक स्किप कर जाएं या फिर ले भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ले लें. 2xx² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब आप फिर आपको क्या करना है कि मैंने कहा कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में बनाएं, क्योंकि आपको x प्लस a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में ब्रेक करना है. तो आप पहला क्वेश्चन में आपने मल्टीप्लाई करके किया. अब मैं डिवाइड करके आपको बता देती हूं कि इसको आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं. अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बच जाएगा, है ना. तो आप आराम से 1 का स्क्वायर रूट 1 है तो आप सबसे पहले उसको उस फॉर्म में बदले. तो डिवाइड द अबव इक्वेशन बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा आपको, देखिए 2x स्क्वायर है ना प्लस x माइनस 4 बाय 2 और 0 बाय 2 तो आपको 0. अब a हर एक टर्म को आप 2 से डिवाइड करें, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x बाय 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ठीक है. तो आप अब आपको क्या करना है, अब आपको x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना है. अब देखिए, अब इसको आप
पहले ए एक्स तो आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ए। अब ए आपको ऐसा रखना है कि ये होल टर्म एक्स बाय टू के फॉर्म में ही रहे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि एक्स बाय टू के फॉर्म में ही रहे? अगर हम इसको वन बाई फोर से इंटू कर दें तो ये अगेन कट जाएगा और ये एक्स बाय टू हो जाएगा, है ना? ये आपको खुद से सोच कर करना होगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, कि ये हर हाल में एक्स बाय टू के फॉर्म में ही रहना है, इसको कुछ दूसरा नहीं बनाना है। अब यहीं से आपको ए का वैल्यू मिल गया। अब इस ए को ही आप जो आपको मिला उसके स्क्वायर को प्लस कर दे और उसी के स्क्वायर को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो आपको ये एक्स प्लस ए स्क्वायर के टर्म में हो गया, ये बी स्क्वायर के टर्म में हो गया। तो ये करने से आपको बहुत रेस्ट ऑफ द टर्म को आप यहीं पे रहने दें, इक्वल्स टू जीरो। आप देखिए अब इतना को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर। देखिए कैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वन बाई फोर, टू ए बी जो आप लिखते हैं, और प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर। तो हमें यहाँ x प्लस ए लिखना है, इसलिए a के जगह पर हम 2xa करते हैं और y के जगह पर हमने जो 2xy आप कहते हो वो 2xa करें, 2xa 1 by 4, और फिर वही स्क्वायर को आप ऐड करते और वही उसी को क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, 1 by 16 और माइनस 2। आप इसको इधर लेके आओ, यहाँ पर भी आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, सो दैट ये बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, एक्स प्लस वन बाई फोर का स्क्वायर। आप चाहो तो यहीं पे इसका एलसीएम निकाल के आप कुछ कर सकते हो, जैसे 16 है तो 1 माइनस 32, है ना? आप कर सकते हो, और नहीं तो आप क्या कर लो, आप उसको उस साइड में लेके चले जाओ। दोनों में कोई काम कर सकते हो, कि आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा टर्म को आप इधर लेके चले जाओ, 1 by 16 plus 2, कोई काम आप कर सकते हो, और फिर यहाँ एलसीएम लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 1 plus 32 एक्स प्लस वन बाई फोर स्क्वायर 33/16। अब स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, एक्स प्लस वन बाई फोर ये तो मिलेगा, पर ये प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। तो 33 को रहने दो रूट में ही, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब आप इसके 4 को कर सकते, यानी आपको एक टर्म जो मिलेगा वो प्लस 33/4 प्लस 1/4, यानी प्लस 33 प्लस 1 बाई 4, और एक माइनस टर्म के साथ मिलेगा। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आपने समझा, मैं इस क्वेश्चन में डिवाइड करके बनाई इस क्वेश्चन को, कि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट दिस 2 कैन बी कैंसल्ड आउट। ये कैंसल्ड हो गया, उसके बाद ये x बाई 2 के फॉर्म में आया और ये 2 के फॉर्म में, ये 2 रेस्ट बचा। अब मेरे को क्या करना है कि ये इस इक्वेशन को
एक्स प्लस ए स्क्वायर के टर्म में करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ए के जगह पे अपने से सब्स्टिट्यूट करके ऐसा नंबर पुट करना है कि ये होल जितने भी हैं वो कैलकुलेट होके एक्स बाय टू के ही आए। तो उसके लिए आपको खुद से सोचना होगा, अगर मैं 1/4 से कर देती हूँ तो ये x by 2 आ जाएगा, लेकिन जिस नंबर से आपने किया उसी नंबर के स्क्वायर को आप फिर से ऐड करो और उसी नंबर के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो और रेस्ट ऑफ द नंबर को आप उतारिए। इस तरह से आप कैलकुलेशन करो। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ। अब मेरे पास जो एक रूट का वैल्यू आया वो क्या आया, प्लस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1+√33/4 और एक जो आया x+1=√33/4 को जो सॉल्व करके लाएंगे, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये इधर आके माइनस होगा ना, सॉरी दिस वन इज माइनस टर्म, दिस वन इज माइनस, इधर प्लस है ना, इधर जाकर के माइनस होगा, ये फिर माइनस हो जाएगा, यानी दोनों माइनस टर्म के साथ आएंगे। आप इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकेंड रूट निकला, ये फर्स्ट रूट निकला। इस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप रूट को निकाल सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। What is this? ये रूट में है इसलिए इसको 4x² + 4√3 √3x + 3=0। ओके, अब आप ये तो देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको, आप इसको इस तरह से करें। मेरे पास x का वैल्यू है जो 2x के इक्वल है, 2x। अब a के जगह पे आपको ऐसा नंबर रखना है कि ये टोटल मल्टीप्लाई होके 4√3x के इक्वल हो जाए। तो 4 तो मेरा ऑलरेडी मिल गया, x भी मिल गया, रूट थ्री रख देते हैं, पर जो जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है उसी के स्क्वायर से आप ऐड कर दो और उसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दैट आपको बी स्क्वायर का भी फॉर्म मिल जाए 0 और रेस्ट ऑफ द टर्म को आप वहीं पे कॉपी कर दो। अब देखो ये पूरा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, यानी एक्स प्लस ए की जगह पर क्या मिला, √3 होल स्क्वायर, और रेस्ट ऑफ द टर्म को आप इधर ले जाओ, √3 का होल स्क्वायर आप इधर ले गए और ये माइनस गया, यानी 3 - 3 दैट इज इक्वल 0। है ना, तो आपको क्या मिला, अगर स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करते हो, स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, इसको क्या मिलेगा, प्लस माइनस, ये तो 0 हुआ, 0, है ना, यानी दोनों रूट आपका
से मिलेगा a माइनस रूट थ्री, आप यहाँ लेके आओ 2x इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री, एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री बाई टू, दोनों सेम होगा सिंस इसका तो प्लस ऐड करो जीरो में या फिर माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सेम होगा। आप आंसर चेक कर लो। यस बोथ रूट्स आर सेम। ओके आप कॉपी कर लो। लास्ट एक क्वेश्चन और बच गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, आप इसको भी कर सकते हैं, ये खुद से भी आप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, डिवाइड करके भी कर लें या फिर ऐसे मैं बना देती हूँ इसको भी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 4 इज दिस वन। यस 4 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना, यही है क्वेश्चन, आप डिवाइड कर लो। बाय 2 करो। आपको x by 2 लाना है, यानी 2a x के जगह पर x और a के जगह पर आप 1 by 4 रखोगे, तो आप जब कट करोगे तो ये रिजल्टेंट जो है x by 2 के इक्वल होगा। आप 1 by 4 को के प्लस को इसको ऐड कर दो, 1 by 4 के स्क्वायर को माइनस कर दो और रेस्ट ऑफ द टर्म को कॉपी कर लो। अब ये x प्लस 1 by 4 के फॉर्म में आ गया और रेस्ट जो है 1 by 16 प्लस 2 को आप इसको इधर लेके चले जाओ। ये नेगेटिव वैल्यू आया तो आप इसको आप इसके रूट को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, है ना, तो ये रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है क्योंकि वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसलिए इमेजिनरी पार्ट को आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप क्या करें इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, इसके लिख सकते हैं कि वी कैनॉट फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके इसको लिख भी सकते हैं ऐसे। ओके तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये
4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व किया। ओके आप कॉपी कर लो।